तो मैं नुरला में पहुंच चुका हूं 10 किलोमीटर से अधिक चलने के बाद खलसी से, और यहां पे आके सेब खरीद रहा हूं और माता जी बेच रहे हैं। यह क्या है माता जी? ये खुबानी। खुबानी यहां का फेमस तो बच्चा, इसको 100। हाँ, 100 का है यह? ये 100 का, ये 250। 250। यह क्यों 100 का है? ये चीज का है ना, इसके अंदर वो बीज बादाम है। और देख, और यह सेब दे रहे हैं 100 रुपया, बहुत सस्ता दिए हैं, नहीं तो इधर 150-150 रुपया के जी मिलता है। तुम ये भैया मैं इसका माता जी, इसी का बीज है? हाँ, इसी का बीज है। इसमें से तेल निकलता है? तेल निकलता है। एक फोड़िएगा। हाँ नहीं, हाँ ये बादाम, बादाम के जैसे है, लेकिन कड़वा लग रहा है। कड़वा है ना, खाया जाता है? हाँ? खाया जाता है, एक खाने से ठीक हो जाता है। वो शुगर का आदमी है ना, कड़वा मैं तो खाऊंगा नहीं। पूरा फोड़ फोड़ के निकाल रहे हैं, ज्यादा खाएगा तो फिर वो कड़वा लग रहा है, चक्कर आ जाएगा। ये वाला है मीठा है, ये सब वाले बीन्स मीठा बता। बहुत कड़वा लग रहा है, कड़वा। और सलजम है ना, क्या बोलते हैं इसको? इसको शलगम। शलगम, सलजम, शलगम। और सेव माता जी का खेत में इधर बता रही हैं, बोया गया, इसलिए 100 का केजी दे रही, नहीं तो बहुत महंगा मिलता है, 200-200 रुपये केजी इधर हो गया है। सलजम आपके खेत का है? हाँ, खेत का है। कच्चा खाया जाता है? कच्चा खाया जाता है, खाओ आप खेत। छोटा सा दीजिएगा, आप जो खाएगा खाओ। मैं खाया नहीं है। हाँ? इसको तोड़ के ये वाला मत खाओ, ये वाला अच्छा होता है। और मैं कांचा दे रहे हैं, वहाँ पे एक माता जी बेच रही हैं। मुल्ली के जैसे है सेब? हाँ, बंदर बन गया हूँ। यह लद्दाख में कोई मिले तो आपसे इतना फ्रेंडली से बात करेगा, इतना अच्छे से बात कर, बहुत अच्छा है लद्दाख के लोग। और बहुत प्यार मिलेगा आपको हर जगह, बहुत अच्छे लोग हैं लद्दाख के। और मैं जा रहा हूँ ले साइड, यहाँ से ले आमा, कितना दूर होगा, कितना किलोमीटर ले होगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ले है, उसके बाद हाँ सी हो गए। तो निकल रहा हूँ यहाँ से और उधर से निकलूँगा मनाली की साइड।